एमपी में 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की मांग वाली बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, मध्य प्रदेश सरकार और स्पीकर को भेजा नोटिस। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 17 मार्च यानी आज फ्लोर टेस्ट कराने को कहा था। इसके बाद कल रात सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल से की थी मुलाकात। मध्य प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान के बीच बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस के 22 बागियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हमारे बारे में हो रही है मनगढ़ंत बातें, हमें बंधक नहीं बनाया गया, अपनी इच्छा से आए। 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे और सरकार जब बनी तो सरकार में दो लोगों के चेहरे सामने किए, राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। बागी बोले, हम मजबूरी में कांग्रेस का साथ हमें छोड़ना पड़ा। कांग्रेस के 22 बागियों ने कहा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हो रहा था वार तो हम सुरक्षित कैसे। बागियों ने कहा, हम सभी को दी जाए केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा, तो मध्य प्रदेश जाने को है तैयार। भोपाल के होटल में ठहरे कांग्रेस विधायकों ने बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों के आरोपों को खारिज किया, आज तक से की खास बातचीत। कांग्रेस विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। देश में कोरोना वायरस से हुई तीसरी मौत, मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती 64 साल के बुजुर्ग की गई जान। इससे पहले दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला और कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स की कोरोना वायरस से हुई थी मौत। नोएडा सेक्टर 100 में कोरोना के 2 नए मरीज, परिवार को रखा गया अलग। नोएडा में जिम, स्विमिंग पूल और मल्टीप्लेक्स पहले से बंद। यूपी में अब तक कुल 15 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। दिल्ली में अब तक कोरोना के 7 पीड़ित, ओडिशा और उत्तराखंड में भी सामने आया एक एक कोरोना पीड़ित। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का मामला, 128 तक पहुंची वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद। 13 मरीजों ने जीती कोरोना वायरस से जंग। 15 राज्यों में पहुंचा कोरोना वायरस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 39 मरीज। केरल में कुल 25 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। कर्नाटक में बढ़े कोरोना के 2 और मरीज, 10 पहुंचा आंकड़ा। हरियाणा में 14 मामले। महाराष्ट्र में विदेश से आए नागरिकों को लगाया जाएगा पहचान का ठप्पा, उधर सरकार का फरमान, ठप्पे का सैंपल तैयार। कोरोना से दुनिया भर में खौफ के बीच अच्छी खबर, अमेरिका में कोरोना के टीके के ट्रायल के नतीजे को ट्रंप ने बताया अच्छा, जुलाई तक वायरस को दे सकते हैं मात। दुनिया में कोरोना की वजह से 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 1,70,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। इटली में कोरोना के कहर से हाहाकार, एक दिन में 349 लोगों की मौत। ईरान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 129 लोगों की मौत, 853 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। एवेंजर्स सीरीज के अभिनेता इद्रिस एल्बा भी वायरस की चपेट में, एक्टर ने वीडियो जारी कर दिया संदेश। WHO का बयान, ठीक होने के बाद भी कोरोना के मरीज से फैल सकता है वायरस, लक्षण खत्म होने के 2 हफ्ते तक आइसोलेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए। महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची वायरस की चपेट में, बच्ची के माता पिता भी बीमार। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बीएमसी का आदेश, प्राइवेट कंपनीज को 50% स्टाफ कम करने को कहा। ताजमहल समेत ASI के अंडर आने वाले सभी स्मारक और संग्रहालय 31 मार्च तक बंद। कोरोना से बचने के लिए एक्टर दिलीप कुमार ने खुद को घर में किया कैद, का सायरा रख रही है मेरा ख्याल। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी मंदिर ने विदेशी नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। स्वर्ण मंदिर में भी कोरोना से बचने की कवायद, प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है सैनिटाइजर। शिरडी के दरबार में भी कोरोना का असर, दूर से ही करने होंगे दर्शन। गणपति के दरबार तक पहुंचा कोरोना का डर, अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया सिद्धि विनायक मंदिर। पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर में भी कोरोना का खौफ, एंट्री के पहले हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना अनिवार्य। उज्जैन में भक्तों की भीड़ के बिना हुई महाकाल की भस्म आरती, मंदिर प्रशासन ने कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ पर लगाई है रोक। लखनऊ में कोरोना को लेकर खोला गया ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर कंपाउंडर नर्सिंग स्टाफ को दी जाएगी ट्रेनिंग।